Let's talk about piles or hemorrhoids. So it is swollen, inflamed and enlarged blood vessels in the rectum and anus. So piles ke wajah se kaafi baar discomfort, pain, itching and even bleeding hoti hai. So why it happens? It happens when there is an increased pressure in the blood vessels in and around anus. तो यूजुअली ये होता क्यों है? सबसे पहला जो है वो है कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल. सेकंड है इफ यू आर सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वेन्स में प्रेशर जनरेट होता है और आपको पाइल्स की तकलीफ हो सकती है. इसके अलावा बीइंग ओवरवेट, प्रेगनेंसी में ये कॉमन है, और एजिंग. जैसे ही हमारा एज होता है वैसे ही हमारे जो रेक्टम के मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं और आपको पाइल्स की तकलीफ हो सकती है. तो इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करने के लिए आपको ये चार चीजें फॉलो करनी है. सबसे पहला जो है आपको कॉन्स्टिपेशन, जो सबसे कॉमन कॉज है उसका, उसको ठीक करना है. सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन देन वॉच माई अर्लियर वीडियो. देन सेकेंड, यू हैव टू अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन थर्ड, आपको ये तीन सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो है जिंक, विटामिन सी एंड मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम जो है वो हमारे रेक्टल मसल को सपोर्ट करता है एंड इवन कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है. सेकेंड, विटामिन सी फोर्टिफाइज एंड स्ट्रेंथन अवर ब्लड वेसल वॉल. इसीलिए आपको हाई डोसेस ऑफ विटामिन सी की जरूरत है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स. एंड देन जिंक, तो अगर आपको पाइल्स की वजह से पेन हो रहा है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है देन यू शुड टेक जिंक सप्लीमेंट, बिकॉज जिंक जो है वो पाइल्स को फास्टर हील करता है और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है. एंड लास्टली, कंसिडर टेकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पाइल्स. सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फॉलो फॉर मोर.